top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. मेरा नाम राजमल है। जी किसान महासभा, इसमें आपकी जो मांग है वो मांग क्या है? मांग ये है सन 76 से जिन्होंने इतना बड़ा उद्योग, इन्होंने फैक्ट्री, स्कूल, इंडस्ट्री लगा दी और किसानों के आज तक सन 76 से उनके प्लाट नहीं दिए गए और किसानों को बहुत बड़ा इन्होंने गुमराह करा। और ये राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने सारी चीज बता दी, ये सरकार की सीधे सीधा शोषण है। सरकार किसानों के साथ शोषण कर रही है पूरे प्रदेश में। हम इसका पूरा विरोध करेंगे इस सरकार का। अगर किसानों की मांग इन्होंने नहीं मानी, आज 17वां दिन है, किसान बैठे हैं, रात दिन का यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और अभी ये 2-3 प्रोजेक्ट पे इनका काम रोक दिया गया है। कल मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 10 मिनट बात हुई है फोन पे और ये पूरा
जितने भी हैं इंडस्ट्री इनकी चल रही है, जितने भी काम चल रहे हैं वो 30 के, वो सारे रोक दिए जाएंगे जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। आपकी मांग क्या क्या है वो बता। ये मांग हमारी ज्ञापन हमें दिया हुआ है जो इनके पास है, ये सारा इन्हें पता है जो भी हमारी मांग है। आबादी का जो बार बार हम कह रहे हैं कि भाई उनका कौन किस आबादी में रह रहा है, आबादी बाहर तक बस गई है अब तो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 3 बार इनसे वार्ता हो गई, वार्ता सफल नहीं हो रही, इनकी मंशा बिल्कुल सही नहीं है किसान के लिए, तो इसके लिए हम पूरा धरना प्रदर्शन जब तक पूरी नहीं करते हैं ये प्राधिकरण, तो आगे की कदम क्या होगी। अभी हमारा 21 व्यक्तियों का यहाँ प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए गया है, अंदर गया है। अगर वार्ता हमारी सफल नहीं होती है तो इसमें अगली रणनीति बनाएंगे, उसके लिए हम चाहे अथॉरिटी को घेरे, चाहे हम रोड जाम करें, पूरा नवेडा जाम करें, वो अगली रणनीति संगठन बनाएगा। नाम चौधरी ओम प्रकाश गुजर है, मैं नोएडा महानगर का महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन भानुकर। ओम प्रकाश जी, आप लोग महासभा कर रहे हैं नोएडा प्राधिकरण। हमारी मांगे हैं पूरे गांवों का, जितने भी नोएडा के अंदर गांव आते हैं सबका तकसीम किया जाए, जो हमारी आबादी है उनको नंबर दिया जाए, एड्रेस दिया जाए, ताकि उनसे लोन वगैरह जो लेना चाहे हम लें। 64% का जो हमारा मुआवजा है वो दिया जाए, जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। 10% के हमारे प्लॉट है वो नहीं दिए गए हैं। जो हमारे अधिकार हैं, सारे अधिकार इन्होंने हमारे सारे अधिकारों का हनन किया है। जमीन के, जो जमीन के बदले हमें अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार हमारे मिले नहीं है। 14 सूत्रीय मांग है जो ज्ञापन हमने दिया हुआ है, और आज 17वां दिन है हमारे धरने को। अगर आज ये वार्ता असफल रहती है तो आगे की लड़ाई जो है हमारी आर पार की होगी। पूरी तैयारी के साथ हम लोग आए हुए हैं, पूरी हमारी सेना पूरी शहर के अंदर फैली हुई है, तो हम इस लड़ाई को आर पार तक, अंत तक लेके जाएंगे जब तक हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। मेरा नाम इन्होंने कंक्रीट के जंगल इन लोगों ने खड़ी कर दी है। दोस्तों, इन इमारतों के बन जाने से ना तो हमें ताली हवा, बीमारियों के, कूड़े के ढेरों के, विकास के नाम पर इन्होंने विकास किया है। बीएसपी की सरकार का विकास किया है, नोएडा प्राधिकरण के घूसखोर दलालों का विकास किया है, विकास किया है भ्रष्टाचारी अधिकारियों का, नोएडा से ले जाकर सरकारों की तिजोरी भरी। मैं पूछना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं इनको कि हमें लैपटॉप नहीं, ये कैसी विडंबना है, ये कैसा अत्याचार है, ये कैसा किसान दिन धरना दे रहा है, तो भी है। है मेरे नौजवान साथियों, हिन्दुस्तान गुलामी की जिंदगियों में रखा हुआ था हिंदुस्तान।